दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग एडवेंचर के शौकीन होते हैं। ये लोग अपनी जान को खतरे में डालकर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने की कोशिश करते हैं और अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर कुछ ऐसे स्टंट्स परफॉर्म करते हैं जो आज से पहले किसी ने न किए हों, और इसी से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाता है। इसी तरह के कुछ खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। नंबर 5, सुल्तान मोहम्मद। दोस्तों, सुल्तान मोहम्मद, जिनको सुल्तान गोल्डन भी कहा जाता है, ये हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के रहने वाले हैं और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े डेयर डेविल और स्टंटमैन हैं। सुल्तान मोहम्मद गाड़ी या मोटरसाइकिल पर बैठकर निहायत खतरनाक और अजीब स्टंट्स परफॉर्म करते हैं। 1984 में इनको बहुत शोहरत मिली जब इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर 15 गाड़ियों के ऊपर से जंप लगाई। लेकिन फिर 1987 में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया जब इन्होंने मोटरसाइकिल पर बैठकर 22 गाड़ियों के ऊपर से जंप लगाई। दोस्तों, ये एक निहायत खतरनाक और मुश्किल स्टंट था। जरा सी गलती इनको मौत के मुंह में ले जा सकती थी, लेकिन अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके थे। ये इस तरह के खतरनाक और अजीब स्टंट्स गाड़ियों पर भी परफॉर्म करते थे। ये उस टाइम पर पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे और लोग दूर दूर से इनको देखने के लिए आते थे। ये आज भी जिंदा हैं और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इनको आज भी एक ही शिकायत है और वो ये है कि इनको पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से इतनी पिजराई और सपोर्ट नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। और ऐसा मेरे ख्याल से पाकिस्तान के हर हीरो के साथ ही हो चुका है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम हर एक अपने हीरो को इस्तेमाल कर फेंक देते हैं। नंबर 4, फिलिप पेटिट। दोस्तों, इसके बाद आते हैं फिलिप पेटिट। बहुत से लोग ऊंचाई से डरते हैं या ऊंचाई पर जाने से घबराते हैं, लेकिन दोस्तों, मिलिए इस आदमी से, इसका ताल्लुक फ्रांस से है। 1970 में ये आदमी अपने एक खतरनाक स्टंट की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। दोस्तों, 7 अगस्त 1974 को इसने वो स्टंट किया था जिसने इसको आसमानों की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, और वो ये था कि इसने उस वक्त की सबसे बड़ी और ऊंची तरीन बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दरमियान में एक वायर फिक्स की जो की तकरीबन 1350 फीट की ऊंचाई पर थी। इसके बाद ये बगैर किसी सहारे या हिफाजती इक्विपमेंट के इस वायर पर चलना शुरू हो गए। दोस्तों, ये 35 मिनट तक ना सिर्फ इस वायर पर चलते रहे बल्कि डांस भी करते रहे और नीचे खड़े लोगों को सैल्यूट भी करते रहे और अजीब अजीब स्टंट्स करके दिखाते रहे। दोस्तों, इनकी जरा सी गलती इनको मौत के मुंह में ले जा सकती थी। उस वक्त अभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरा तामीर नहीं हुआ था और किसी को भी ऊपर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन इसने ना सिर्फ ये स्टंट बगैर किसी की इजाजत के किया बल्कि उसके साथ साथ नीचे खड़े लोगों को एंटरटेन भी करता रहा। लेकिन ये जैसे ही नीचे उतरा, इसको पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन फिर कुछ देर बाद ही इसको छोड़ दिया गया। उसके स्टंट को दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंची जगह पर चलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल गया, और यूं ये दुनिया भर में मशहूर हो गए, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके पास 30 साल तक रहा। लेकिन अब उसको फ्रेडी नॉक नामी शख्स ने 3500 फीट की बुलंदी पर चलकर तोड़ दिया है। नंबर 3, विम हॉफ। दोस्तों, आप बात करते हैं विम हॉफ की। हम जरा सी भी ठंडी जगह पर बगैर शर्ट के चले जाएं तो हमारा सर्दी से हाल बुरा हो जाता है। या आप कभी सर्दियों में ठंडे पानी से नहाए होंगे तो आप मेरी बात से इत्तेफाक कर सकते हैं कि जिस्म का क्या हाल होता है। लेकिन दोस्तों, मिलिए इस शख्स से। इसका ताल्लुक नीदरलैंड से है और इसके जिस्म में शदीद सर्दी को बर्दाश्त करने की नाकाबिले यकीन सलाहियत मौजूद है। दुनिया इसको स्नोमैन के नाम से भी जानती है। इस वक्त इनके पास 26 वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है। दोस्तों, इनका दुनिया में शोहरत तो तब मिली जब 2007 में ये दुनिया की सबसे ऊंचे तरीन पहाड़ माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर सिर्फ एक निक्कर पहनकर चढ़ गए। यानी इनका पूरा जिस्म नंगा था और ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़ गए थे। कोई और इंसान तो इसको तस्वीर भी नहीं कर सकता। ये बहुत खतरनाक स्टंट था। दोस्तों, 2011 में विम हॉफ ने एक और बहुत अजीब और हैरत अंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो ये था कि ये बर्फ से भरे हुए एक सिलेंडर में 1 घंटे और 42 मिनट तक बगैर कपड़ों के बैठे रहे। ये बहुत अजीब था। दोस्तों, ये निहायत ताकतवर इंसान है। ये आज भी जमा देने वाले पानी में नहाते हैं तो कभी जला देने वाले सहरा में मीलों तक बगैर पानी और कपड़ों के चलते हैं। जब इनसे इसका कोई राज पूछता है तो ये अपनी सांस लेने की टेक्निक को बताते हैं, जो ये लोगों को भी सिखाते हैं। नंबर 2, बी मैन। दोस्तों, ये एक बहुत खतरनाक और हैरत अंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है 11 लाख शहद की मक्खियों को अपने जिस्म के साथ चिपकाने का। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना खतरनाक स्टंट था। इसमें जरा सी गलती इनकी जान ले सकती थी। मई 2005 में चाइना के एक आदमी गाओ बिगाओ ने अपने जिस्म पर 11 लाख शहद की मक्खियां चिपका कर अजीब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान इनको 2000 से भी ज्यादा शहद की मक्खियों ने डंग मारा, जिसकी वजह से इनकी बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री तक चला गया था। इन 11 लाख शहद की मक्खियों का वजन 109 किलो था। दोस्तों, गाओ बिगाओ को अपने बचपन से ही शहद की मक्खियों से बहुत मोहब्बत थी और ये बचपन से ही इनके साथ रहते थे, लेकिन फिर भी ये बहुत खतरनाक और अजीब वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो आज भी इन्हीं के पास मौजूद है और कोई इसको तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सका।
नंबर वन, जॉन एवनास। दोस्तों, ब्रिटेन से ताल्लुक रखने वाले इस आदमी के पास निहायत बड़ी चीजों को अपने सर पर उठाकर चलने और बैलेंस करने की सलाहियत मौजूद है। ये बहुत ताकतवर इंसान है और इस टैलेंट ने इनको पूरी दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। दोस्तों, कई कई साल प्रैक्टिस करने के बाद ये अपने सर पर एक पूरी गाड़ी उठाकर बैलेंस करने में कामयाब हो गए। ये बहुत खतरनाक स्टंट था क्योंकि जरा सी गलती इनकी गर्दन की हड्डी तोड़ सकती थी और इनकी वहीं पर मौके पर मौत हो सकती थी, लेकिन इन्होंने एक मिनट करीब एक गाड़ी को अपने सर पर उठाकर एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दोस्तों, आपने हमारी वीडियो पूरी देखी इसलिए ये आपके लिए बोनस कहानी है, जो कि एक आदमी फिलिक्स बूम ग्रेटनर की है। दोस्तों, इस आदमी का ताल्लुक ऑस्ट्रिया से है और 14 अक्टूबर 2012 को इन्होंने पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया था जब इन्होंने जमीन से 1,27,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। ये स्काई डाइविंग का एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इससे ज्यादा ऊंचाई से आज तक कोई जंप नहीं कर सका था। फिलिक्स एक हीलियम बलून पर बैठकर इतना ऊपर पहुंच गए थे और स्पेस में जाकर इन्होंने जमीन की तरफ छलांग लगा दी और ये जमीन की तरफ निहायत तेज स्पीड के साथ गिरने लगे। ये एक बहुत खतरनाक स्टंट था क्योंकि इतनी ऊंचाई पर इंसान का दिमाग काम करना बंद कर सकता है, लेकिन इन्होंने निहायत ज्यादा ऊंचाई से जंप करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, हैरत अंगेज बात तो ये है कि अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड गूगल के एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नॉलेज एलन के पास है, जिसने 1,36,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हुई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का आइकन आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।